बड़ी खबर आ रही है जो फतुहा थाना क्षेत्र के कोल्हार रोड के 5 लुटेरों ने हथियार के बल पर टेम्पो के साथ मोबाइल फोन लूट लिया था, जिसको लेकर ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद खान के निर्देश में डीएसपी शियाराम यादव के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, मुकेश, एसआई राजेश कुमार, एसआई सौरभ कुमार, एसआई लालटू कुमार की टीम ने बीती रात कोल्हार रोड से 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के साथ लूट के मोबाइल भी बरामद किया गया है। वही बताते चले कि तीनों की पूछताछ में लूटकांड में संलिप्त 2 लोगों की तलाश में पुलिस रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में लूट की टेम्पो के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में 1 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 1 टेम्पो को बरामद किया गया है। इसमें सुमित उर्फ कारू, राजू कुमार, गोलू कुमार, गुड्डू कुमार, सोनू कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निधि सिंह के साथ सुधांशु पांडे की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत गत 22 अगस्त को एक टेम्पो लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था, जिसमें फतुहा थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, मुकेश, राजेश कुमार और प्रशिक्षु दारोगा लालटू कुमार और सौरभ कुमार टीम में शामिल थे। इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की तो कल यानी दिनांक 9 सितंबर 2023 को छापेमारी की गई। इस छापेमारी में टेम्पो को रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत शेखपुरा से बरामद किया गया था और वहां 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। पुनः उनके पूछताछ और निशानदेही पर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल और लूटी गई मोबाइल जो ग्राम कोल्हार थाना फतुहा से लूटी गई थी वो बरामद की गई है। पुनः अनुसंधान और पूछताछ में अन्य 2 व्यक्तियों को यानी कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस घटना का पूर्ण उद्भेदन और इसमें अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।